अनिल ऑडियो सर्विस सेंटर की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये स्विफ्ट का और डिजायर का स्टीरियो है जो 2018 से लेके 2021 तक के मॉडल में आया है, हमारा कंपनी से लग के आता था। तो इसके अंदर रनिंग फोल्ट जो आ रहा है कि कस्टमर का कहना है कि जैसे हम स्टीरियो यूज करते हैं तो इसका जो ब्लूटूथ का बटन है ना, यहाँ से काम करना बंद कर जाता है। जैसे हम दबा रहे हैं कुछ, इसका ब्लूटूथ का फंक्शन नहीं खुल रहा और ब्लूटूथ भी वर्किंग करना बंद कर जाता है। तो इसके अंदर फॉल्ट चेक करते हैं, अभी किस चीज में दिक्कत आती है, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों, इसके अंदर हम चेक करते हैं तो कई बार क्या होता है कि इसके स्विच के अंदर दिक्कत आ जाती है, बटन काम करना बंद कर जाता है, इस पोजीशन में जो बटन काम नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है कि इसका रिबन जो है ये खराब हो जाता है, और 90% इसके अंदर जो खराब निकलते हैं मदरबोर्ड में इश्यू आता है, मदरबोर्ड खराब होते हैं। ये ब्लूटूथ वाला आईसी खराब हो जाता है, ये हम चेंज करने के बाद फिर चेक करते हैं। बोर्ड के अंदर हमारी ब्लूटूथ वाली आईसी खराब थी, ये हमने चेंज कर दी है। अब इसको लगा के चेक करते हैं ब्लूटूथ हमारा काम करता है या नहीं करता। आईसी डाल दिए और चेक करते हैं हमारा ब्लूटूथ वर्किंग में आया या नहीं आया। देखो, ब्लूटूथ का सेटअप आ गया, इसमें हमारे सारे फंक्शन आ जाएंगे जो जो हमारे काम नहीं कर रहे थे। पेयरिंग भी आ जाएगा, लिस्ट भी आ जाएगी, सब कुछ वर्किंग में आ गया। तो इस स्टीरियो के अंदर ब्लूटूथ का सबसे ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है। अगर आपको ऑल इंडिया से कहीं भी किसी भी शहर से और ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना स्टीरियो कोरियर से भेज के ठीक करवा सकते हैं। अगर आप पूरा स्टीरियो नहीं भेज सकते, अगर आप मैकेनिक हैं तो इसका मदरबोर्ड भी खोल के भेज सकते हैं, जो हम रिपेयर करके आपको रिटर्न भेज देंगे यहाँ से अपने पैनल पे चेक करके। जब भेजेंगे तो पैकिंग आप अच्छे से करके भेजिए ताकि आपका पार्सल बीच में कहीं डैमेज ना हो, और भेजने से पहले जो आपका पार्सल होगा उस पर फॉर्म में जरूर डालिए कि आप कहाँ से भेज रहे हैं, तो आपके आपके पार्सल मिक्स ना हो, तो आपका बोर्ड किसी के साथ एक्सचेंज ना हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, नई वीडियो का इंतजार करिए।